तारीख पर ही पड़ी है कि इनकलाब दुनिया में हमेशा एक ही इंसान लेकर आया है बाबा। और मैं वो इंसान नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं वो इंसान। काश आप होते। ये जो पोलियो के नाम पे हमारे साथ ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे को भी रोकना है। कहीं ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन ना हो। ऐसा ही लड़ूंगा। खान जी, असफंद ने मस्जिद के बाहर मजमा लगाया हुआ है, आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। असद, असद खान के खिलाफ खड़ा हो। मेरा नाम असफंद खान है। पिछले दिनों हमारा इलाका में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है, लिहाजा मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और इसका वजह सिर्फ एक है, मेरा इलाका से पोलियो का खात्मा होवे। देखो भाई लोगों, ये मेरा कोई जाती झगड़ा या जाती जंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा खुद का मासूम बच्चा पोलियो की वजह से माजूर हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बच्चा भी पोलियो की वजह से माजूर हो जाए। तो भाई लोगों, मैंने तो आलम उठा लिया है, अब फैसला आप लोगों को करना है कि अगर मैं गलत हूं तो उस दिन आपका फैसला बता देगा, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो इन लोगों को बताना है कि हमारा फैसला क्या है। ए, चलो भाई चलो, इधर कोई तमाशा हो रहा है, चलो। मैं असद खान, इस पूरे इलाके का बाप। तुम मुझको हराएगा? पेड़ों के छत्ते में आग डाला है तुमने, खुद तो डूबेगा, इस पूरे गांव को भी साथ लेकर डूबेगा तुम। असद खान, मैं अब रुकने वाला नहीं। मैं तुमको रोकेगा भी नहीं, क्योंकि तुमको रोकेगा तुम्हारा ये सारा गांव वाला। खान, इलेक्शन वाले दिन इस पूरा गांव में किसी भी घर से कोई भी वोट डालने के लिए निकला तो मैं पूरा गांव को अंधेरे में धकेल देगा। Yeah, look up.
नाजरीन आज एक अनोखा वाकया देखने में आया। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने पोलियो की अहमियत को उजागर करने के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया। आज सुबह जब गांव के लोग अपने घरों से निकले तो हर घर के आगे एक बैसाखी मौजूद थी। उम्मीदवार का कहना है कि उन्होंने इसलिए ऐसे किया ताकि लोगों को एहसास हो कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल बैसाखियों से मुंसलिक न हो जाए। अपने इस इकदाम से वो लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वोटिंग के दिन लोगों ने सही फैसला ना किया तो आने वाले वक्तों में ये बैसाखियां उनके बच्चों का सहारा बनेंगी। उस आने वाले वक्त को वो आज अपने सामने देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। क्या वोटिंग का टाइम शुरू हो गया? जी, मगर अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, शायद ही कोई आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप रजा हैं? ज़ीक अफरीदी। मैंने आपका गाना सुना है। आपने इस गाने में अपने अल्फाज से एक नई रूह फूंक दी है। वेल डन। हमने जो लिखा अपना जिंदगी पर लिखा और जो गाया वो दिल से गाया। दिल से जो बात निकलती है वो असर जरूर रखती है। और वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? हमारा बाबा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। वो चाहता है कि हर जगह पोलियो का मुहिम हो और किसी दूसरे बच्चे को पोलियो ना हो, मगर अभी तक कोई वोट डालने नहीं आया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आओ मैं और आप मिलकर सबको इस कॉज के लिए बुलाते हैं। रेडी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीक अफरीदी और मैं आज अपने दोस्त राजा से मिलने इसके गांव पहुंच गया क्योंकि मैं इसके गाने से बहुत मुतासर हुआ। और यहाँ आकर पता चला कि इनके वालिद काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वो पोलियो का खात्मा कर सके। वो घर से निकले हैं आपके बच्चों का दर्द लेकर। अगर आप भी अपने बच्चों का दर्द रखते हैं तो आप भी घर से निकले। इंतजार किस चीज का है? वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे हैं। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। ये होगी हमारी वीडियोस। अभी इसको हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देंगे, सब लोग इसको देखेंगे और मुझे और आपको देखकर जरूर आएंगे। देखते हैं कैसे नहीं आते। ठीक है,
बाबा हा? ये देखें क्या है। ये कौन लोग हैं बेटा? बाबा ये दूसरे गांव के लोग आपके साथ खड़े हैं। पैमाने में बचे तेरा लाख लाख शुक्र है। यूसी 21 के इलेक्शन के नतीजे आ गए हैं और 25 में से 12 पोलिंग स्टेशन्स में कामयाबी हासिल की है असदुल्ला खान ने, जबकि 13 पोलिंग स्टेशन से जीते हैं असफन यार खान और यूं वो मुंतखब हो गए हैं इस इलाके के न्यू काउंसलर। असफन खाना, आज तुमने हमको सिखाया है कि बातिल के सामने डट जाओ तो कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारा कदम चूमेगा। बाबा आपने हमसे झूठ बोला था। झूठ बोला? अरे क्या झूठ बोला, हम जीत गए हैं ना। आपने तो बोला था कि आप वो आदमी नहीं है, मगर आप तो वाकई वो आदमी है जो इनकलाब लेकर आया।
मुबारक हो, तुम जीत गया। असद खाना, मुझे खुशी होगा अगर इस दफ्तर को चलाने के लिए मैं तुम्हारा तजर्बा भी इस्तेमाल करूं। और मुझे ज्यादा खुशी होगा अगर तुम भी मेरे साथ मिलकर काम करो। पांच साल तक के बच्चों को जब भी पोलियो की टीम आए कतरे पिलवाना लाजमी है। याद रखिए, फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।